इस लाइट को हम लोग कह रहे थे नॉर्थ लाइट कह के, ठीक है। ये नॉर्थ लाइट में देखते हैं, मतलब वो साइंटिस्ट लोग क्या पता लगाए हैं, लाइट हमारे साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब हर एक रंग उसका रूप जो है हम लोग को अलग अलग निशाना दिखाता है। जैसे हम लोग काले कपड़ा, काले रंग का कुछ पहन के जाते हैं, मतलब हम लोग मौन धारण कर रहे हैं जैसे सोचते हैं लोग, वही चीज सफेद कपड़ा पहन के जाते हैं, मतलब कुछ पीसफुल आदमी है सोचते हैं, पुजारी वगैरह पंडित वगैरह सोचा जाता है। काली रंग के कपड़ा पहनते हैं तो कोई पुजारी वगैरह सोचा है ना, उस प्रकार अलग एक एक रंग एक एक हिस्सा बताता है, एक एक रंग का भी एक वेवलेंस रहता है, मतलब उसके निशाना उसके चलने का रफ्तार जो है वो बदलता जाता है, जिसके चलते भी हर एक रंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि जैसे आप लोग लाइट के बारे में बात करते हैं उसी प्रकार कुछ चीजों को अगर आप लोग याद करते हैं तो ये नियॉन जो है, क्रिप्टॉन जो है, आर्गन जो है, हीलियम जो है, ये सबको भी आप लोग देखते हैं तो एक विशेषता है इनमें, नोबल गैसेस और इनमें कुछ विशेषता है। नोबल गैसेस विशेषकर हम लोग पढ़ने वाले हैं हीलियम के बारे में, नियॉन के बारे में, आर्गन के बारे में, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के बारे में और ऑग्नेसॉन के बारे में। ये दोनों जो है, रेडॉन और ऑग्नेसॉन, ये दोनों जो है रेडियो एक्टिव है, जिसके चलते हम लोग को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, और इनके बारे में पढ़ाई करना बड़ी दिक्कत है, इनके बारे में बड़ी पढ़ाई करना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीनों जो है कुछ भी कॉम्पाउंड रूप में नहीं मिलता है, कुछ भी कॉम्पाउंड के रूप में नहीं मिलता, मतलब किसी के साथ भी वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, जिसके चलते उसका कोई भी जिसके साथ मिला हुआ है बोल के कुछ नहीं मिलेगा। क्रिप्टॉन और जेनॉन का केवल मिल सकता है, क्रिप्टॉन को पता लगा है Kr2F2 करके, ठीक है, फ्लोरिन के साथ रिएक्ट किया हुआ पता लगा चुके हैं, लेकिन वो भी रेडियो एक्टिव है, जिसके चलते उसके बारे में विस्तार रूप में पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन जेनॉन के बारे में देखते हैं तो जेनॉन के बारे में दो प्रकार के कॉम्पाउंड पता लगाया गया है, पहला है जेनॉन विथ फ्लोरिन और जेनॉन विथ ऑक्सीजन करके, दो प्रकार के कॉम्पाउंड के बारे में यहाँ पर पता लगाया गया है। आगे की ओर देखते हैं हम लोग, इसमें एक विशेषता है, वो क्या है, जैसे आप लोगों को नोबल गैसेस के बारे में बताने के पहले मैं बता रहा था कुछ लाइट के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये पांचों को लिखा हूं, उन पांचों के नीचे मैं अलग अलग रंग के लाइट दिया हूं। देखिएगा ये अलग अलग रंग के लाइट क्या को दर्शाता है, एक चीज है, ये सबके सब नॉन रिएक्टिव गैसेस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस मतलब नोबल गैसेस, नोबल मतलब किसी के साथ वो लोग लेना भी नहीं करता, देना भी नहीं करता, किसी का इलेक्ट्रॉन को वो लोग लेता भी नहीं है, देता भी नहीं है, उनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस करके। लेकिन ये लोगों को जब कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगाते हैं तब जाके वो लोग का लाइट प्रोड्यूस होता है। लाइट प्रोड्यूस होने का ये कारण है क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अगर इसमें रहा, सोचिए जब कभी मैं इसके ऊपर एक लाइट को मारने देता था, धक्का देने देता हूँ, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेके ऊपर भाग जाता है, जबकि ऊपर भागता है वो ऊपर भागने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है कम रहता है, जिसके चलते जब लाइट को हम लोग ऑफ करते हैं तो ये क्या करेगा, अपने ऑफ एनर्जी को खो के फिर नीचे की ओर आता है, जब ये नीचे की ओर आता है तब फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो बाहर निकलता है, जिसके चलते अलग अलग रंग के लाइट दिखाई देता है। और आप लोगों को ज्यादातर बोला जाता है टीवी और सेलफोन नहीं प्रयोग कीजिएगा नाइट के समय बोल के, कारण ब्लू लाइट जो है हम लोग का नींद को नहीं होने देता है, पूरी नींद नहीं लेने देता है, इसलिए हमारे सेलफोन वगैरह में देखते हैं तो ब्लू कलर का लाइट प्रयोग होता है, जिसके चलते बोला जाता है आप लोगों को थोड़ा कम कीजिए बोल के, नाइट के समय सेलफोन और ये सब प्रयोग करना थोड़ा कम करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर आप लोगों को विशेष कर पूछा जाएगा नोबल गैसेस को क्यों जीरो ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है बोल के, नोबल गैसेस को क्यों जीरो ग्रुप करके कहा जाता है, बाकी सबको देखें मतलब सिक्स ग्रुप एलिमेंट, सेवंथ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स करके हम लोग पढ़े थे, है ना, फोर्टीन्थ ग्रुप वो सब करके हम लोग पढ़ रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसको केवल ग्रुप जीरो बोला जाता है, ग्रुप एट नहीं बोला जा रहा है। कारण क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे ग्रुप 1A, 2A, 3A, उस प्रकार 7 तक पढ़े थे,
अभी आके देखते हैं आठवां को देख रहे हैं हम लोग, ग्रुप जीरो बोला जा, कार केवल इतना ही है। इसमें दो प्रकार के गैसेस है, एक तो है हीलियम, हीलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल दो है, 1s2 है ये, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन केवल है, बाकी सबको सबको देखते हैं मतलब आठ को इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो भी है आठ भी है, जिसके चलते किसी एक को नहीं रख सकते, हीलियम का भी तो दिखाना पड़ता है, उसी के कारण ये ग्रुप को कहा जाता है जीरो ग्रुप या नोबल ग्रुप, जो क्रिया में भागे नहीं लेता है, इसलिए उसको शून्य का नंबर दिया गया है। ठीक है, और ये सबके सब कलरलेस है, ऊपर से इन सबों का कोई भी स्मेल नहीं रहता, गंध नहीं रहती इन सबों को, ऑर्डरलेस कलरलेस। देखिएगा बाकी सबके सब हम लोग पढ़ते समय कम से कम डायटोमिक मॉलिक्यूल तक तो पढ़े हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल तक, लेकिन नोबल गैसेस को देखते हैं कभी भी अलग ही रहता है, हीलियम मतलब हीलियम ही रहेगा, नियॉन मतलब नियॉन ही रहेगा, नियॉन 2 आर्गन 2 ऐसा नहीं रहता है, आर्गन 2 करके नहीं रहता है, सबके सब मोनो एटॉमिक, अकेले जीने वाला है ये सब, साधु सन्यासी के समान ये लोग जीने वाला है। ठीक है, वेरी लो केमिकली रिएक्टिव, केमिकली रिएक्टिव नहीं है, क्यों, ऑक्टेट को ये लोग पूरा करता है, जिसके चलते ये लोग क्रिया में भाग नहीं लेता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है। और ये नोबल गैसेस को संक्षिप्त रूप में बताना चाहते हैं तो इस प्रकार बता सकते हैं, दीस आर आवर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इंक्लूड, ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर गैसेस, ओके, कलरलेस गैसेस, मोनो एटॉमिक, दे आर फाउंड इन अस सिंगल एटम्स, अनरिएक्टिव, दे डू नॉट नॉर्मली रिएक्ट विथ एनीथिंग, दे हैव फुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, मतलब वो लोगों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब एस ब्लॉक में रहा तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरा हुआ है, और पी ब्लॉक में अंत में मतलब पूरे के पूरे पी ब्लॉक भी भरा हुआ है, जिसके चलते ये लोग आउटर मोस्ट सेल इनका पूरा भरा हुआ है, जिसके चलते ये लोग काम नहीं करेगा, उसी को मैं बोल्डेड रूप में यहां पर कह रहा हूँ, जीरो ग्रुप एलिमेंट को नोबल गैस कहते हैं बोल के, अनरिएक्टिव, डू नॉट इजीली फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में इसलिए नहीं फॉर्म करेगा बोला हूं क्योंकि न्यूलैंड का ऑक्टेट, न्यूलैंड का ऑक्टेट का ये लोग पूरा कर रहा है। और एक तो चीज हम लोग याद कर सकते हैं, ऑर्बिटल जब कभी आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ रहता है तो वो स्टेबल रहता है, यहाँ पर पी ऑर्बिटल पूरे के पूरे भरा हुआ है, जिसके चलते ये जो है स्टेबल है, ये जो है स्टेबल है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल को पूरे के पूरे फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर एक विशेषता क्या है इनका, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ द नोबल गैसेस इंक्रीजेस रिलेटिवली, जैसे साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा है, बड़ा होगा बोल के हम लोग पढ़े हैं पहले ही, उसको याद रखेंगे। इस चीज को केवल मैं बोलूंगा, इस ये जो स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको केवल थोड़ा पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनर्ट का अर्थ क्या है यहाँ पर बताया गया, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा बोल के, और मोनो एटॉमिक का एक विस्तार रूप में बताया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे मतलब बाद में काम देगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबके सब जीरो ग्रुप करके सबके सब जो भी नोबल गैसेस है सबको लिखा हूँ, उसके साथ साथ मैं ये भी पूछ रहा हूँ, वो इस ग्रुप जीरो नॉट कॉल्ड ग्रुप 8 इवन दो इट कम्स आफ्टर ग्रुप 7, उसका मैं कारण बता रहा हूँ, वो सातवां ग्रुप के बाद आ रहा है इसलिए उसको आठवां ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कह रहे हैं बोल के पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, इन द रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ द ग्रुप is the same as the number of outer cell electron, baki sab ke sab mein outer most electron jo hai matlab carbon ka dekhte hai to hum log outer most electron mein 4 tha na, aur nitrogen ka dekhe matlab 6 tha carbon ka, nitrogen ka dekhenge to 7 tha, oxygen ka dekhenge to 8 tha na, badalta ja raha hai, lekin yahan par dekh rahe hain matlab helium neon sab mein helium ka keval 2 hai baki sab ka 8 गो है, इसलिए बदल रहा है, उसके चलते हम लोग इसको क्या नहीं कह सकते हैं, आठवां ग्रुप करके नहीं कह सकते हैं, भले ही वो सातवां ग्रुप के बाद आ रहा हो। ठीक है, वही चीज को फिर यहां पर स्लाइटली मॉडिफाई करके बताया गया है और कुछ नहीं है उसमें। यहां पर देखिएगा, मैं नटसेल में यहां पर कह रहा हूं आप लोगों को,
नोबल गैसेस मतलब क्या है, उसको क्या बोला है, इसको देखिएगा, ग्रुप जीरो का आ रहा है इसको नोबल गैसेस को, और नियॉन हीलियम उस सबका देख रहे हैं माइनस डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में ये लोग रहता है, बहुत कम में रहता है ये लोग। हीलियम को ज्यादातर आप लोग बलून वगैरह में प्रयोग करते हैं, कारण क्या है, वो बॉम्ब जैसे जैसे ब्लास्ट नहीं होता, हाइड्रोजन को बर्न नहीं पाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है जो कभी कभी एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बन सकता है जैसे गर्म होती है, लेकिन हीलियम जैसे गर्म हो जाता है वो पूरे के पूरे पानी जैसा हो जाता है, लिक्विड के रूप में आ जाता है, लिक्विड के रूप में आ जाता है, उसको थोड़ा ध्यान लेते हैं। यूसेस ऑफ ऑल द गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में बता रहा हूं, यहाँ एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है, वो सबको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल यूसेस नीचे देखिएगा, डीप सी डाइवर्स यूज हीलियम, इसको आप लोगों को पूछा जाएगा 2 मार्क क्वेश्चन में, डीप सी डाइवर्स वही दे यूज हीलियम, मतलब हीलियम जो है हवा के साथ उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, पानी के साथ भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जिसके चलते अगर वो हमारे शरीर के अंदर भी जाएगा तो तुरंत तुरंत लेस वेट है, जिसके चलते बाहर आने की संभावना ज्यादा है, अगर उसी के जगह कोई दूसरा चीजों को हम लोग प्रयोग कर लिए तो हम लोग का नर्वस सिस्टम जो है सबके सब फटने की ज्यादा संभावना है, जिसके चलते, क्योंकि जैसे हम लोग सी के अंतर्गत जाते हैं ना, समुद्र के तट तक जाते हैं, तो उसकी प्रेशर जो है ज्यादा रहता है, जब प्रेशर ज्यादा रहता है और हमारे ब्लड वेसल जो है वो तो पतला है, जिसके चलते अगर ऑक्सीजन जो है सब जगह नहीं पहुंचता तो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या प्रयोग करने बोल रहे हैं, हीलियम, हीलियम अलोंग विद ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करते हुए प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग पानी से ऊपर आते हैं तो हीलियम क्या कर देता है, हीलियम जो है पानी से भी कम वेट, ऑक्सीजन से भी कम वेट, इसके चलते वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी दूसरा गैस वगैरह को प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक बन सकता है, इसको थोड़ा देख लेंगे। और रेडन जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर करके, और आर्गन को, आर्गन को देखें तो वेल्डिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, जहां कहीं भी आप लोग वेल्डिंग मशीन देख रहे हैं वहां पर प्रयोग कर रहा है आर्गन का, आर्गन का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्रिप्टॉन को, कोई कोई को तो लेजर लाइट के द्वारा ऑपरेशन किया गया बोलते हैं, स्टमक में कुछ अल्सर वगैरह हो गया, घुटना में कुछ दर्द हो गया, जिसके चलते ऑपरेशन हुआ बोलते हैं लेजर के चलते, उसके लिए हम लोग क्रिप्टॉन को प्रयोग करते हैं। ये लोगों को क्यों प्रयोग करें, क्योंकि ये दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी चीजों के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इनको प्रयोग करने से हमारे शरीर में कुछ दूसरा असंभावना होने की चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। और नियॉन कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग टीवी वगैरह देखते हैं, आप लोग का सेलफोन वगैरह को थोड़ा दबा के देखते हैं तो थोड़ा पानी इधर से उधर जा रहा है जैसे लग रहा है, वो क्या है, नियॉन है, नियॉन है, ठीक है, उसको थोड़ा आप लोग याद कर लेंगे। ये सब 2 मार्क क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा, यूसेस ऑफ नोबल गैसेस करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं विस्तार रूप में बता रहा हूँ हर एक गैस और उसका यूज क्या है बोल के, जैसे हीलियम को हम लोग बलून वगैरह में यूज कर रहे हैं और एयरशिप वगैरह में यूज कर रहे हैं, मतलब जेट वगैरह हो गया, फाइटर जेट वगैरह हो गया, आप लोगों का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वगैरह हो गया, उस सब में हम लोग हीलियम को प्रयोग करें, क्यों, हीलियम उतना फायर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिसके चलते वो बहुत सेफ है बोल के। और आर्गन जो है हम लोग लाइट बल्ब वगैरह में प्रयोग कर रहे हैं, नियॉन जो है हम लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और क्रिप्टॉन जो है हम लोग का सर्जरी वगैरह के लिए, और जेनॉन को भी हम लोग ऑपरेशन रूम में कैंसर वगैरह ट्रीटमेंट के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा जेनॉन फ्लोराइड और जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, यहाँ पर मैं बोला था आप लोगों को ये नोबल गैसेस जो है सबके सब कंपाउंड नहीं बनाता, केवल क्रिप्टॉन फ्लोराइड बना सकता है और जेनॉन केवल बना सकता है, ये दोनों केवल बना सकता है, इसमें क्रिप्टॉन का जो है वो रेडियो एक्टिव है, जिसके चलते वो स्टेबल नहीं है, जिसके बारे में पढ़ाई नहीं किया गया है, लेकिन जेनॉन फ्लोराइड और जेनॉन फ्लोराइड और जेनॉन ऑक्सीजन को देखते हैं, इनका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है, एक टू को देखेंगे तो लीनियर, केवल आप लोगों को स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड करके इसको दिया जाएगा और आप लोगों को स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, फिलहाल इसको केवल देख लीजिएगा। जैसे हम लोग
स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, उस समय मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार रूप में बताऊंगा। यहाँ पर बताने से भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार इसको फार्मूला देख लीजिएगा और उसका नाम केवल पढ़ लीजिएगा, वन मार्क क्वेश्चन के लिए ये काम देगा। ठीक है, यहीं पर मैं आज का क्लास खत्म करने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी डाउट वगैरह है उसको आप लोग अभी पूछ सकते हैं।